जबलपुर में गुरुवार की देर रात लोकायुक्त टीम ने एसटीएफ में पदस्थ एएसआई निसार अली को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बता दें कि निसार अली को 3 दिन पूर्व ही एसटीएफ से हटाया गया था, इसके बावजूद भी मोहम्मद जावेद को पैसे के लिए परेशान कर रहा था। गोहलपुर निवासी मोहम्मद जावेद की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा दबिश देकर दमोना का पेट्रोल पंप के पास से एएसआई निसार अली को गिरफ्तार किया है। निसार अली मोहम्मद जावेद से 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, लिहाजा निसार अली इतना शातिर था कि उसे पकड़ने के लिए लोकायुक्त टीम ने डिलीवरी बॉय बनकर उसे धर दबोचा। ये निसार अली थे, झूठा आवेदन एक तो बना के अपने पास रखे थे, हमको बुलवाए क्राइम साइबर के ऊपर और 3-4 लोग बैठे थे, बोले तुम्हारी शिकायत आई हुई है, कोई लोन ऑन लिए थे तुमने? हाँ लिए थे, तो पेपर दिखाए तो हमने, आप जो ये पेपर दिखा रहे हो इसका लोन चुक चुका है सर, इसमें कोई मैटर रेटर नहीं बचा। तो बोले नहीं, इसमें शिकायत किया किसने? हमने किसने किया है? बोले ये शिकायत तुम्हें बताएंगे नहीं, हम लोग गुप्त रहती है। तो हमने गुप्त शिकायत, हमें पता तो चलने चाहिए हमने शिकायत करा किन्ने। बोले नहीं आपको जरूरत नहीं जानकारी की, इतना ही बहुत है कि इसमें शिकायत आई है। तो हमने फिर बोले, हमने ठीक है सर जैसा भी होगा अपन बैठ के निपटा लेंगे। तो बोले आप रात में आना, अभी बात नहीं कर पाएंगे हम। फिर हमसे मांग करी गई कि अगर तुम्हें इस मैटर को निपटाना है तो पैसा लगेगा। बोले बिना पैसों के काम नहीं बनेगा, इसमें कोई कई अधिकारी इन्वॉल्व हैं, अधिकारियों को पैसा देना पड़ेगा। हमारे से पैसा मांगा गया रहा 20 लाख रुपए, बाकी वर्तमान में हमने इतना पैसा नहीं है। बोले टुकड़ों पर दे देना। हमने ये बोले कि अभी के डेट में 1 लाख रुपये आप लेके आ जाओ। तो 1 लाख रुपये लेके गए अधिकारियों के बीच में। हमारे प्रार्थी हैं मोहम्मद जावेद, इनके विरुद्ध बैंक फ्रॉड से संबंधित कोई शिकायत एसटीएफ जबलपुर में हुई थी, जिसके लिए एसटीएफ जबलपुर में पदस्थ एएसआई है निसार अली, इनके द्वारा वो शिकायत को निकाल करने और रफा दफा करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। आज हमने उन्हें 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए दमोह नाके के पास पकड़ा है, कार्रवाई जारी है।